देखिए ये बहुत बड़ा घोटाला है और मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। ये परीक्षा का रिजल्ट आना था 14 जून को, लेकिन निकाला गया 4 जून को। क्यों निकाला गया? क्योंकि 4 जून को जब रिजल्ट चुनावों के आ रहे थे, उस बीच ये रिजल्ट निकाला गया कि इसकी चर्चा ना होने पाए, इसके घोटाले की चर्चा ना होने पाए। दूसरी बात, 720 अंक पाने वाले 67 बच्चे, जो असंभव है अपने आप में। तीसरी बात, इसमें एक बच्ची ऐसी है गुजरात की जिसको एक नंबर मिला फिजिक्स में, वो टॉप कर जा रही है, 720 अंक पा रही है। चौथी बात, किसी को 718 अंक मिला, किसी को 719 अंक मिला, जो असंभव है, क्योंकि अगर आप एक प्रश्न छोड़ते हैं तो आपका 4 अंक घटता है, और अगर एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपका 5 अंक घटता है। यानी कि 716 अंक तो हो सकते हैं, 715 भी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में 718 719 अंक नहीं हो सकते। तो इसलिए ये नीट का एग्जाम रद्द होना चाहिए। आज सड़क पे हम लोगों ने आंदोलन किया है। मैं इस देश के नौजवानों को, जिनका भविष्य बर्बाद हुआ है, करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ पिछले 2 साल में, कभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी जेई का पेपर लीक हो जाता है, तो ये देश के नौजवानों की जिंदगी के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। और इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसमें जो लोग शामिल हैं उनको एक टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन करा के उनको सजा दिलाई जाए, सच से सच सजा दिलाई जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये सीधे सीधे मोदी सरकार के अधीन आने वाले शिक्षा मंत्रालय का घोटाला है, एनटीए का घोटाला है, और फिर से ये एग्जाम कराया जाए। अभी सड़क पे आवाज उठाई है, कल पूरे देश में आंदोलन होगा, उसके बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वहां भी हम लोग ये मामला